दीदी इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? कि जैसे लड़कियों को नॉर्मली कभी हल्की फुल्की उस एरिया में खुजली हो गई, या हल्के रैशेज आ गए, लाली दिखाई दी, या कभी सफ़ेद पानी जाने लगा। अब कौन सा पानी नॉर्मल है और कौन सा पानी बीमारी की तरफ इशारा कर रहा है कि भाई ये बीमारी हो सकती है। तो होता क्या है कि जब पानी के सरीखा या जैसा हमारा कफ होता है खांसी में, उसके सरीखा सफ़ेद रंग का जब अगर जा रहा है पानी, तो वो नॉर्मल बॉडी डिस्चार्ज होता है। वो नॉर्मली भी किसी लड़की ने कभी भी सेक्सुअली एक्टिव नहीं रहा है, कभी उसका संबंध नहीं रहा है किसी लड़के से, फिर भी हो गया, वो एक नॉर्मल है। संबंध रखने के बाद भी ये हो सकता है, वो भी नॉर्मल है। मगर अगर वही गाढ़ा सफ़ेद रंग का जाने लगे, या थक्के थक्के जैसा जाना लगे, या वहाँ पे बॉयल्स होने लगे जो पानी से भरे फफोले होते हैं, या बड़े फोड़े जैसे भी कभी कभी होने लगते हैं, इस तरह का कुछ होने लगे, तो वो थोड़ा सीरियस बात है।